हे गाइस व्हाट्सअप। सो आजकल यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर रैप्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये रैप्स बहुत ही इजी एंड टेस्टी होते हैं। सो मैं भी आज यहाँ आपके लिए 3 डिफरेंट रैप्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें फर्स्ट पिज़्ज़ा रैप, सेकंड मैगी रैप एंड द थर्ड वन इज़ आलू टिक्की रैप। आई होप दैट कि आपको ये तीनों रैप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सो लेट्स मेक इट। सो पहले हमें रैप्स के लिए रोटियाँ बनानी होंगी, जिसके लिए हमें 1 कप फ्लावर चाहिए। इसमें 3 रैप्स बहुत ही ईजिली बन जाएंगे आपके। सम सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल, और अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन ऐड वाटर। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मैंने यह 1 कप फ्लावर के लिए 80 ml वाटर यूज़ किया है, और अभी इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिला लें। और अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, हमें फिलिंग्स तैयार कर लेनी चाहिए। फर्स्ट मैं यहाँ आलू टिक्की की फिलिंग यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए आपको 1 कप बॉइल्ड पोटैटो चाहिए। सम सॉल्ट, आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो। सम टर्मरिक पाउडर, सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, आप स्पाइसीनेस भी एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो। चाट मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, आप यहाँ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। अभी ये अच्छे से मिल चुके हैं और हमें इसकी पैटीज बना लेनी है। आप मीडियम साइज टू स्मॉल साइज बना सकते हो। और अब इसे साइड रख के हमें मैगी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सम अनियन एंड चिलीज, और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद थोड़ी सी सॉल्ट, नाउ ऐड हाफ टमाटोज, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद मैगी मसाला, और अब हमें यहाँ पे कुछ वेजीज डालनी है, जिसमें मैंने कैरेट्स लिए हैं एंड कैप्सिकम, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं। देन ऐड नूडल्स, जो कि पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा था। मिक्स वेल, और हमारी सेकंड फिलिंग भी रेडी है। अब हमारा डो रेस्ट हो चुका है, और अभी इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मिला लें और इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं यहाँ 3 रैप्स बना रही हूँ,
अब यहाँ एक पीस लें डो का और इसे रोटी के शेप में रोल कर लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और अब हमारी रोटी तैयार है और इसे अभी हमें पकाना है, जिसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। और अब हमें आलू टिक्की के रैप के लिए आलू टिक्की को फ्राई करना है, जिसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए और इसमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, जिसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। और तब तक फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो पहला रैप हम बनाते हैं आलू टिक्की रैप, जिसके लिए हमें एक रोटी चाहिए, उसे हमें सेंटर से हाफ स्लाइस करना है। और अब इसके एक पार्ट में आलू टिक्की रखना है, दूसरे पार्ट में कुछ चॉप्ड अनियंस। और अब मैं यहाँ इमली की चटनी रख रही हूँ, कुछ सेव जो कि बहुत ही अच्छा क्रंच देता है, एंड ग्रीन चटनी। और अब इसे हमें रैप कर लेना है। और अब हमें फिर से इसे तवे पे अच्छे से इसे पकाना है जब तक कि ये क्रिस्प और गोल्डन ना हो जाए। और इसे पकने में भी 1 से 2 मिनट लगेंगे। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा क्रिस्प एंड गोल्डन हुआ है। अब यहाँ मैगी रैप के लिए हमें एक एग को फ्राई करना है। ऐड सम सॉल्ट। और इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे से पका लें। तो अब बनाते हैं मैगी रैप, जिसके लिए फिर से एक रोटी लें, उसे बीच से काट लें। और अब ऐड करें मैगी और कुछ सैलड्स, जिसमें मैंने कैबेज एंड कैरेट्स लिए हैं, कुछ केचप एंड 1 फ्राइड एग। अब इसे अच्छे से रैप कर लें और इसे भी अब 2 से 3 मिनट तक पकाएं, जब तक ये अच्छे से क्रिस्प एंड गोल्डन ना हो जाए। और हमारा मैगी रैप भी रेडी है। एंड द थर्ड वन इज़ पिज़्ज़ा रैप, जिसके लिए फिर से एक रोटी लें, उसे कट कर लें। और एक साइड में अभी हमें पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, फिर कुछ टॉपिंग्स, जिसमें मैंने कैप्सिकम, टोमेटोज और अनियंस लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ ग्रेटेड चीज़, सम चिली फ्लेक्स। और अब इसे अच्छे से रैप कर लें और इसे भी टोस्ट कर लें। विथ सम ऑयल। और ये भी गोल्डन हो चुका है और रेडी है। सो हमारे तीनों रैप्स रेडी हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो।